हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायर सेफ्टी एकेडमी। आज हम वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये अपडेट निबोस द्वारा किया गया है कोविड-19 को देखते हुए। बहुत से लोग हैं जो निबोस जनरल सर्टिफिकेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट कर रहे हैं, और वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से। तो इसके कारण निबोस ने एक अपडेट किया है। हालांकि मैंने निबोस के ऑफिशियल साइट पर ये चेक किया, इससे रिलेटेड मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कोई भी लिंक नहीं मिला। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पीडीएफ फॉर्मेट मिल गया था एक फ्रेंड से, और मैंने अपने कुछ जानकार कोर्स प्रोवाइडर से बात की, जो निबोस का कोर्स और कोर्स प्रोवाइडर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ऐसा रियल में चेंजेज होने वाले हैं, कुछ ऐसा अपडेट आ रहा है निबोस की तरफ से, बट ऑफिशियल अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मैंने भी चेक किया ऑफिशियल निबोस की साइट पे, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं मिला। लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे मिलेगा, कुछ अपडेट मिलेगा, कुछ लिंक मिलेगी ऑफिशियल साइट पे, मैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं अपडेट ज़रूर करूँगा आपको। तो फिलहाल मैं इस जो पीडीएफ फाइल मुझे मिली हुई है इसके बेस पे क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि निबोस ने जो कोविड-19 से जो एग्ज़ाम पोस्टपोन थे या कैंसिल हो गए थे, उनको देखते हुए एक नया पैटर्न लागू किया है, निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो इसका क्या पूरा क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कंडक्ट करना है, और कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम देखेंगे जो आपके दिमाग में आ सकता है, तो उन सब के बारे में चलिए देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे जो निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन का स्टेप्स है वो क्या क्या होगा, मतलब कितने चरण में ये कंप्लीट होगा। तो पहला होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो दूसरा एग्जामिनेशन है वह क्लोजिंग इंटरव्यू। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसमें क्या क्या होगा, क्या स्टेप्स हैं इसके, और कैसे आपको तैयारी करनी होगी, इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है। तो आपको पता होगा जैसे पहले निबोस के जो एग्जामिनेशन होते थे वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता था आपको, और जो आपको आपने पढ़ा है ट्रेनिंग के दौरान, जो आपने सेल्फ स्टडी की है, जो क्लासेज में तैयारी की है, वो आपको एग्ज़ाम में लिखना होता था, जो आपको जो आपकी नॉलेज है, जो आपको याद है वही। लेकिन जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसमें आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। इसमें आपको निबोस ने एक और फ्रीडम दिया हुआ है कि इसमें या तो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं या फिर आप सिस्टम पे बैठ के टाइप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। और जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसमें निबोस ने एक और चीज़ डाली है कि ये आप घर पे बैठ के आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने घर पे बैठिए आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, आप अपने टेक्स्ट बुक से देखिए, आप डिजिटल रिसोर्सेज यूज़ करिए, ऑनलाइन देखिए, किसी कोई आर्टिकल देखिए, ऑनलाइन कोई पीडीएफ यूज़ करिए, जो मर्जी आपको यूज़ करना है करिए, आप देख के आप अपना एग्जामिनेशन पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब देखते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है ये कब से अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू निबोस इन्होंने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है कि फर्स्ट असेसमेंट की डेट क्या होगी इसकी। इन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही डेट फाइनलाइज करेंगे और अनाउंस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि रजिस्टर कैसे करना है और असेसमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। इन सब के बारे में जो भी कम्युनिकेशन होगी ये अपने लर्निंग पार्टनर्स को प्रोवाइड करा देंगे, और जो ऑफिशियल साइट है उस पर प्रोवाइड कराएंगे, और जो भी इनकी न्यूज़ लेटर्स वगैरह आती हैं आप ई मेल पर उन पर भी आ जाएगा। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से लिया जाएगा। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो एक्चुअली सिर्फ एक यूनिट के लिए है, IG1 के लिए, IGC1 के लिए। जो ओल्ड पैटर्न पे दे रहे हैं वो IGC1 देंगे, और जो न्यू पैटर्न पे दे रहे हैं वो IG1 देंगे। तो इसमें जो एक पेपर लिखने का टाइम दिया है इन्होंने वो 24 घंटे का टाइम दिया है आपको, 24 घंटे में वो पेपर कंप्लीट करना है। इस पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको एक कोई रोल दे दिया जाता है किसी कंपनी में कि आप एक सेफ्टी मैनेजर हो या फिर सेफ्टी ऑफिसर हो, और आपके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है साइट पे, तो आप उसमें किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, तो सिनेरियो बेस्ड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अब तक आपने देखा कि बुक रख के लिखना है बहुत ईजी है, कुछ भी कर देंगे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि किसी भी कंडीशन में निबोस अपनी रेपुटेशन कम नहीं करने जा रहा है, निबोस की जो कोर्स की वैल्यू है उसे वो कम नहीं करने जा रहा है। तो आप इसे कम मत आकिए, ये जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या क्या टर्म्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला टर्म जो है ये माल प्रैक्टिस, इसमें नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए इसमें किसी तरह का, एंड कोलूजन नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनेशन, ये चार जो पॉइंट हैं इस पर स्ट्रिक्टली निबोस फोकस करेगा जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे। तो ये होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ, माल प्रैक्टिस क्या होता है सिंपल तरीके से अगर समझाए तो, माल प्रैक्टिस जो होती है वो एक तरह की चीटिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो बुक है आपके पास या कोई आर्टिकल है आपने उससे सीधा उठा के जो आंसर है वो सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो माल प्रैक्टिस में आता है। अब बात करेंगे प्लेगरिज्म क्या होता है।
प्लेगरिज्म क्या होता है, जैसे आप दो लोग हैं और आप दो लोगों का आंसर सेम है, मैच कर रहा है, और आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं ये मेरा है, तो उस कंडीशन में प्लेगरिज्म होता है, इसे बोलते हैं। कोलूजन का अगर एक सिंपल वर्ड में बताऊं मैं आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई थर्ड पर्सन, कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आपको का आंसर लिखने में सपोर्ट कर रहा है, तो ये होगा। इम्पर्सनेशन के बारे में बात करें तो इम्पर्सनेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी अपना काम जब किसी और से करवाते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होता है हमारे कॉलेज का, हमारे स्कूल्स का, तो हम किसी और से करवा देते हैं, अपने फ्रेंड से, भाई से, तो ये जो आप एक्टिविटी करवा रहे हैं ये इम्पर्सोनेशन का पार्ट होता है। तो जो निबोस की ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो स्ट्रिक्टली इन चार चीज़ को फॉलो करेगा। अगर ये चार चीज़ें आपके एग्जामिनेशन है उसमें पाया जाता है तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है निबोस के द्वारा। जब आप एग्जामिनेशन देंगे उस टाइम पे आपको एक लर्नर स्टेटमेंट साइन करना होगा, इसमें आप ये कंफर्म करेंगे कि जितने भी प्लेगरिज्म कोलूजन्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप पूरी तरह से समझते हैं, तो ऐसा आपको एक स्टेटमेंट साइन करना होगा। अगर आपने कोई पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, आप सोच रहे होंगे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। सिंपली क्या करना है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको जो आपकी यूनिट की बुक है IG1 की, IGC1 की, उसे आपको थोरोली पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार उस बुक को पढ़िए। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो एग्जामिनेशन है उसके लिए कितना टाइम मिलेगा आपको, तो ये जो निबोस आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा है वो 24 घंटे का होगा। 24 घंटे का टाइम होगा जो आपको पहले से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन का टाइम ये है। आपका टाइम जो स्टार्ट होगा वो अलग अलग टाइम जोन होता है कई देशों का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके लर्नर के द्वारा बता दिया जाएगा कि इस समय से इस समय के बीच में आपका एग्जामिनेशन टाइम है और इससे पहले आपको आपके सारे आंसर सबमिट करने हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं और कंटिन्यूस पेपर देने और कंटिन्यूस आप अपना आंसर लिखने बैठते हैं, पेपर लिखने बैठते हैं, तो आपको 3 से 4 घंटे में मोस्टली आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, 24 घंटे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में निबोस से रिलेटेड, तो ये है कि आप अपना एग्ज़ाम कहाँ दे सकते हैं। तो ये जो है साफ़ किया हुआ है इसमें निबोस ने कि आप अपना एग्जामिनेशन आप अपने घर पे दे सकते हैं। इन्होंने कुछ रिकमेंड भी किया हुआ है कि जब एग्जामिनेशन आप अपना दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास। एक डेस्क और एक टेबल होनी चाहिए जिससे कि आप आपके जो लर्निंग मटेरियल्स है, जो बुक्स है, वो आप इजीली आपके पास अवेलेबल रहे, आप उसे देख सकें। एक कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए ताकि इतनी देर तक बैठने में आपको प्रॉब्लम ना हो। गुड लाइटिंग होनी चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए रूम का ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एक घड़ी होनी चाहिए जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपने कितना टाइम कंज्यूम कर लिया है और कितना टाइम बाकी है अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो रिफ्रेशमेंट और स्नैक्स रख सकते हैं इतने लंबे टाइम के लिए आप बैठेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये निबोस ने रिकमेंड किए हैं कि ये आपके पास होना चाहिए। एक प्रॉपर एग्जामिनेशन आप अगर दे रहे हैं तो फिर से वही क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने कोर्स बुक, नोट्स और एनी अदर मटेरियल का यूज़ कर सकता हूँ एग्जामिनेशन में। तो निबोस ने क्लियर किया है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप किसी भी तरह का टेक्स्ट बुक, लर्निंग मटेरियल, ऑनलाइन रिसोर्सेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो भी लिखेंगे वो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे, आप खुद की भाषा में उसको आपको लिखना है। आप कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई सा आंसर देखा और उसे सीधा का सीधा उठा के टाइप कर दिया, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, बट जो भी आप लिखेंगे वो आपका ओन वर्डिंग होना चाहिए। इसमें कुछ और इन्होंने बाउंडेशंस दी हैं कि जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे 24 घंटे का टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या नहीं कर सकते हैं। आप अपने लर्निंग पार्टनर के किसी भी स्टाफ से कांटेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और जो आपका टॉपिक है उस पर आप किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं कर सकते। किसी भी थर्ड पार्टी फ्रेंड या फैमिली से आप एडवाइस या कंट्रीब्यूशन किसी तरह का नहीं ले सकते हैं। अब ओपन बुक जो एग्जामिनेशन होगा वो मार्क किस तरीके से होगा, जितने भी ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो सब निबोस के द्वारा मार्क किए जाएंगे। जैसा मैंने पहले आपको बताया, जो निबोस का एग्जामिनर होगा वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करेगा कि आपने किसी तरह का प्लेगरिज्म तो नहीं किया है, कोलूजन तो नहीं है आपके आंसर्स में, तो इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब ओपन बुक इंटरव्यू के बाद एक क्लोजिंग इंटरव्यू आएगा। क्लोजिंग इंटरव्यू में क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्लोजिंग इंटरव्यू, तो जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद आपको टाइम दिया जाएगा, 2-3 या 5 दिन के बाद एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, आपको एक डेट और एक टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना होगा। क्लोजिंग इंटरव्यू एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और इससे सिर्फ ये क्लियर करना होगा कि आपने किसी से असिस्टेंट तो नहीं लिया है, आपका आंसर किसी और ने तो नहीं लिखा है। तो जो भी आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिखा होगा
सारे क्वेश्चंस उसी के बेस्ड होंगे। आपसे सिर्फ ये क्लियर किया जाएगा कि आपने जो चीज़ लिखा है वो आपको पता है कि नहीं पता, आपने किसी और से तो नहीं लिखवा है, कहीं अदर सोर्स से तो ये कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा क्लोजिंग इंटरव्यू में। जो क्लोजिंग इंटरव्यू होगा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, और ये जो आपका लर्निंग पार्टनर है वो एक इंटरव्यू नॉमिनेट करेगा और उसके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है इसमें देखेंगे। जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी, उसे हैंडी रखना है। सबसे पहले इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। आपको एक डेट दिया जाएगा और एक टाइम दिया जाएगा कि आपका क्लोजिंग इंटरव्यू कब है, और आप अपना क्लोजिंग इंटरव्यू स्मार्टफोन, पीसी, कंप्यूटर, टैबलेट किसी भी तरीके से दे सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्लोज इंटरव्यू होगा ये एक प्राइवेट रूम में होगा, और उस रूम में आप किसी और को नहीं रख सकते, सिर्फ आप अकेले होंगे उस रूम में इंटरव्यू के टाइम पे। फॉर्मेट ऑफ क्लोजिंग इंटरव्यू इसमें देखेंगे क्या क्या फॉर्मेट्स होंगे। तो क्लोजिंग इंटरव्यू जब आपको टाइम और डेट दिया जाएगा, उस टाइम और डेट पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपका इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा शोइंग योर आइडेंटिटी। आपको अपनी आइडेंटिटी दिखानी है कि जो भी आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आइडेंटिटी है, वो आपको आप जिस रूम में हैं वो रूम दिखाना है आपको, आपके इंटरव्यूअर को, कि इस रूम में मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है। और एक चीज़ और निबोस ने क्लियर की है कि जब आप रूम में क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप इस कंडीशन में बैठेंगे कि जो रूम का दरवाज़ा है वो इंटरव्यूअर को दिखता रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे जो आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिखे हैं, और एंड ऑफ द इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू का एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा क्लोजिंग इंटरव्यू होने के बाद, तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपके आंसर से हैप्पी है, सेटिस्फाइड हो गया है, तो आपका जो मार्क्स है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा निबोस का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर। अगर आपका इंटरव्यूअर है वो नॉट सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई नहीं हुआ आपके आंसर से, उसे लगता है कि कुछ चीटिंग हुई है या आप नहीं बता पाए जो आपने लिखा था उसमें, उससे अलग कुछ बताया, तो वो निबोस को कॉन्टैक्ट करेगा। और इस कंडीशन में निबोस नेक्स्ट स्टेप ले सकता है, इसमें हो सकता है कि आपका सेकंड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, या फिर हो सकता है कि पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन, जो निबोस की पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। तो ये निबोस पे डिपेंड करता है क्या करना है। क्लोजिंग इंटरव्यू जो होगा क्या उसका कोई मार्क्स मिलेगा आपको, इसका क्या फ़ायदा है? तो क्लोजिंग इंटरव्यू जो है ये कोई आपका असेसमेंट नहीं है, सिर्फ ये इसलिए लिया जाएगा कि जो आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिखा है वो आपका खुद का लिखा हुआ है कि नहीं है, सिर्फ इस चीज़ के लिए ये आपका क्लोजिंग इंटरव्यू है, इसलिए किसी भी तरह के मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। टिप्स फॉर सक्सेसफुल क्लोजिंग इंटरव्यू, कुछ टिप्स देखते हैं बिफोर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के पहले आपको क्या करना है, एक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक फैमिली मेम्बर या फ्रेंड पकड़ना है और उसको आपको सुनाना है जो भी आपने ओपन बुक में लिखा था उससे रिलेटेड, तो उससे आपका हेजिटेशन खत्म होगा। और अगर पॉसिबल है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसे ये सब सुनाएं, जिससे आपको एक हैबिट में आएगी वो चीज़। जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये आपको एडवांस में रखना है, तभी आपका जो क्लोजिंग इंटरव्यू है कंडक्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे आपका क्लोजिंग इंटरव्यू नहीं होगा। आपको एक शांत रूम की ज़रूरत होगी और कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको ऑनेस्टली रिप्लाई करने हैं। आपको किसी भी तरीके का इधर उधर का उत्तर नहीं देना है और ना ही आप गेस करके उत्तर दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उन्हें केयरफुली सुनिए और ट्राई टू रिलैक्स। जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं रिलैक्स होकर आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिखा है क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चंस आपके क्लोजिंग इंटरव्यू से मैच नहीं करते हैं, वो आंसर्स आपके क्लोजिंग इंटरव्यू से मैच नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फिर मैं क्लोजिंग इंटरव्यू कैसे दूंगा? इसके लिए आपको आपके लर्निंग पार्टनर से डिस्कस करना है, और आपकी जो लोकल अथॉरिटी हैं अगर वो अलाउ करती हैं तो आपको अपने लर्निंग पार्टनर के यहाँ विजिट करना है और फेस टू फेस इंटरव्यू आप दे सकते हैं। अगर ये दोनों आप पॉसिबल नहीं है, आप स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा परमिशन भी नहीं है आपको बाहर निकलने की, तो आपका क्लोजिंग इंटरव्यू जो है वो पोस्टपोन करना पड़ सकता है। फ़ोन पे ये पॉसिबल नहीं है। अगर इतनी जानकारी के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो आपको क्या करना है, तो आप अपने लर्निंग पार्टनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो निबोस की ईमेल आईडी है obe@nibos.org.uk पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर जो इनकी ऑफिशियल साइट पे लाइव चैट का ऑप्शन है वहाँ पे जाके आप लाइव चैट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो हैं उनसे पूछ सकते हैं। कुछ अदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन जो निबोस के हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन थे उसमें आप
जो लर्न क्लासेज में सीखते थे, सेल्फ स्टडी में सीखते थे, वही आपको जाके एग्ज़ाम में लिखना होता था। एक रूम होता था, एक वेन्यू होता था प्रॉपर, आपको वहाँ पे जाना होता था और आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता था कि इतने टाइम के अंदर लिखना है। ये तो था ट्रेडिशनल जो एग्ज़ामिनेशन निबोस लेता था वो, लेकिन जो अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसमें आप अपने घर पे बैठ के एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं और कोई भी आप लर्निंग सोर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं इसके लिए। और जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स का टाइम पीरियड दिया गया है। ये दो अंतर हैं इसमें। अब देखेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन जो होता था निबोस का और जो ओपन एग्जामिनेशन हो रहा है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सिमिलैरिटीज़ इसमें बहुत सारी हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर होता था वो सिमिलर फॉर्मेट में होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो क्वेश्चंस के पैटर्न थे वो भी सेम होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जो आपके इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट की वैल्यू है वो भी सेम बनी रहेगी, उसमें भी किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब तक हमने ओपन एग्जामिनेशन की जो बात की वो सिर्फ यूनिट 1 के लिए थी, IG1 IGC1 के लिए। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि NG2 IG2 और GC3 के लिए जो असेसमेंट है वो होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये असेसमेंट्स है ये सारे वैसे के वैसे ही होंगे, किसी भी तरह का इसमें चेंजेस नहीं किया गया है, तो आपको असेसमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये तो हमने IGC के बारे में बात कर ली, जनरल सर्टिफिकेट के बारे में बात कर ली, जो और एग्जामिनेशन है निबोस के IGC के अलावा GC के अलावा उनका क्या है। तो इनके बारे में निबोस ने ये क्लियर किया है कि जो भी एग्जामिनेशन थे इन सब को पोस्टपोन कर दिया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइंस हैं उनको देखते हुए, और फिर से जो न्यू डेट्स ये अनाउंस करेंगे जल्दी ही, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन में मैं पास नहीं हो पाता हूँ तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो ये सेम प्रोसीजर है जो पुराना प्रोसीजर था निबोस का, वो सेम प्रोसीजर इस पर आता है कि आप या तो रिसीट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, दोबारा आपको एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आप निबोस की जो पॉलिसी है ये AR इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग एक इंक्वायरी फाइल कर सकते हैं, जिससे आप अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं अपने नंबर से। ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो अपडेट थे निबोस के COVID-19 के कारण वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन लर्नर गाइड की जो ये PDF फाइल है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कहाँ से करनी है ये आप डाउनलोड करके एक बार थोरली चेक कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।